एक दिन मोटू जंगल में घूमने गया तो वहाँ एक आदमी रो रहा था। तो मोटू उस आदमी के पास गया और बोला, एक दिन मोटू तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? मेरा नाम पतलू है और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे अंदर एक चुड़ैल है, इसी कारण मैं पेट भर खाना नहीं खा पाता हूँ। ऐसा बात है, चलो मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगा। मोटू पतलू को घर लेकर जाता है तो मोटू की पत्नी मोटू से पूछती है, आप किसे लेकर घर आ गए जी? मैं जंगल में गया तो ये मुझे मिल गए और यह बहुत दिन से भूखे हैं। ये जब भी खाना खाते हैं चुड़ैल इन्हें परेशान करती है, खाना खाने नहीं देती है। अच्छा, पहले हम खाना खिलाकर देखते हैं चुड़ैल कैसे परेशान करती है। मोटू और उसकी पत्नी पतलू को खाना खिलाने लगती है तो एक दो बार खाने पर चुड़ैल उसके खाने में मेंढक डाल देती है। तो पतलू मोटू से बोलता है, ऐसे ही हर रोज कुछ ना कुछ डाल देती है खाने में चुड़ैल। पतलू घबराओ मत, मैं एक बार और लेकर आता हूँ। मोटू फिर से पतलू को खाना खिलाता है तो इस बार मक्खी को डाल देती है। तो पतलू उदास होकर बोलता है, बस करो भाई, आप मेरे लिए परेशान क्यों हो रहे हो? पतलू, तुम्हें चिंता लेने की कोई बात नहीं है, तुम्हें पेट भर खिला के ही रहूँगा। मोटू फिर से खाना लेकर आता है तो पहले पतलू की आँख पर पट्टी बांध देता है, फिर पतलू खाना खाता है तो पतलू के खाने में मेंढक आता है तो पतलू उसे भी खा लेता है और पतलू पेट भर कर खा लेता है। और तो पेट में से चुड़ैल बोलती है, पतलू मुझे माफ कर दो, मुझे बाहर निकाल दो। अब तुम पेट में रहो, कल टट्टी के साथ बाहर निकलना। पतलू, अब खाना पेट भर खाकर कैसा लग रहा है? अरे भाई, खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम दोनों साथ रहेंगे, कहीं मत जाना, हम दोनों मित्र बनकर रहेंगे। मोटू पतलू और उसकी पत्नी एक साथ रहते हैं और जब पतलू को टट्टी लगती है तो पतलू टट्टी करता है और टट्टी के साथ चुड़ैल बाहर निकल जाती है और बहुत दूर चली जाती है और पतलू खुशी से जिंदगी जीने लगता है। मोटू पतलू एक साथ रहते हैं। मोटू और पतलू रोज नदी के पास आते थे पर आज कहीं से दानव प्रकट होता है, मोटू और पतलू को जान से मार देता है। एक दिन मोटू और पतलू जंगल में घूमने गए, वहाँ मोटू पतलू बात करते हुए जाते हैं तो वहाँ उन्हें सामने से शेर आता दिखाई देता है। तो मोटू बोलता है, पतलू देखो सामने शेर आ रहा है, अब क्या होगा? अरे मोटू, मुझे क्या पता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मोटू को सामने एक लड़की रोते हुए दिखाई देता है तो मोटू पतलू से कहता है, पतलू वो लड़की क्यों रो रही है, चलो देखते हैं। यहाँ हम मरने वाले हैं, तुम्हें लड़की की चिंता दिख रही है? चलो देखते हैं लड़की क्यों रो रही है। ठीक है चलो। मोटू और पतलू लड़की के पास जाते हैं और
लड़की से मोटू बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रही हो? मेरा शादी नहीं हो रहा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू है। ठीक है खुशबू, मैं तुम्हारी शादी करूँगा, यदि शेर से बचे तो। अरे कैसा शेर? वो जो सामने है वही तो नहीं कह रहे हो? हाँ हाँ, वही शेर। डरो मत, वो मेरा शेर है, वो मेरा ही बात मानता है। तुम जंगल में अकेली रहती हो कि और भी तुम्हारे परिवार में है? मैं और मेरा शेर के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है। खुशबू जंगल में अकेली, पर वह लड़की नहीं चुड़ैल है। पर यह बात मोटू पतलू को नहीं पता था और खुशबू मोटू से कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। खुशबू तुम भी बहुत सुंदर हो, इतना सुंदर हो कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मोटू और खुशबू बहुत देर तक बात करते हैं, दोनों आपस में शादी करने के लिए राजी होते हैं और पतलू देखता ही रहता है। तो पतलू मोटू से बोलता है, मोटू आज कितना अच्छा दिन है, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया, क्या हम कल शादी कर ले? अरे भाई एक कहावत सुने हो? कौन सा कहावत पतलू? अरे वही, कल करे सो आज करो, आज करो सो अभी करो। मोटू और खुशबू बहुत खुश होते हैं और जल्द से जल्द शादी हो जाता है। तो खुशबू अपने असली रूप में आ जाती है, तो मोटू पतलू डर जाते हैं। तो चुड़ैल बोलती है, डरो मत, मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं करूँगा। अरे तुम चुड़ैल हो तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? क्या करे, मेरा शादी नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मोटू पतलू इसके दर्द को समझकर कुछ नहीं बोलते हैं और मोटू पतलू घर जाने लगते हैं। तो चुड़ैल और शेर भी साथ जाने लगती है। तो मोटू चुड़ैल से बोलता है, तुम हम दोनों के साथ क्यों आ रही हो? मैं तुमसे शादी किया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूँगा। मोटू पतलू और चुड़ैल की शेर घर जाते हैं और खुशी से रहते हैं। और मोटू पतलू को कुछ भी चाहिए होता था, चुड़ैल अपने जादू से सब कुछ लिया देती थी और मोटू पतलू को कोई भी काम नहीं करना पड़ता था और मोटू पतलू बहुत खुश रहते थे। एक समय की बात है, मोटू एक रुपया कमाया और घर गया। उसकी पत्नी ने कहा, मुझे एक कंघी ला दो, मैं सही से तैयार नहीं हो पाती हूँ। ठीक है भगवान, मैं कल तुम्हें कंघी ला दूंगा। मोटू घर से निकल जाता है। मोटू राजा के घर के सामने पैसा कहीं गिरा जाता है। बहुत देर से खोजता है पर नहीं मिलता है। राजा अपने घर से देखता है तो, अरे इतना सुबह कौन है, लगता है कुछ खोज रहा है। सिपाहियों देखो कौन है, घर के सामने कुछ खोज रहा है, उसे लेकर आओ। जी महाराज। सिपाही जाते हैं और मोटू से कहते हैं, अरे भाई तुम कौन हो और क्या कर रहे हो?
तुम्हें महाराज बुला रहे हैं। मेरा नाम मोटू है, तुम चलो मैं आता हूँ। तुरंत चलो, नहीं तो मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। मोटू सिपाही के साथ राजा के पास जाते हैं तो राजा मोटू से पूछते हैं, तुम्हारा क्या नाम है और तुम वहाँ क्या कर रहे थे? महाराज मेरा नाम मोटू है, मेरा वहाँ पर 1 रुपया गिर गया था, वही ढूंढ रहा था। मोटू तुम उस 1 रुपये को भूल जाओ, मैं तुम्हें 1 रुपये के बदले में 10 रुपया दूंगा। महाराज मैं तुम्हारा 10 रुपया जरूर ले लूंगा और उस 1 रुपये को भी ढूंढ लूंगा तो मेरे पास 11 रुपये हो जाएगा। मोटू तुम उस 1 रुपये को मत खोजो, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। हाँ महाराज मैं आपका 1000 ले लूंगा, पर खोज लूंगा तो मेरे पास 1001 रुपया हो जाएगा। ये तो बहुत ही हकी है, मैं अभी घमंड तोड़ता हूँ, राजा बोला। मोटू मैं तुम्हें अपना पूरा पैसा दे दूंगा, तुम 1 रुपये को मैं भूल जाओ और मत खोजना। महाराज मैं लेकिन वह 1 रुपया मेरे मेहनत का पैसा है, उसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं तुम्हें अपने जमीन में से 1 हिस्सा दे दूंगा, तुम सिर्फ उस 1 रुपये को भूल जाओ। ठीक है महाराज, मैं उस 1 रुपये को भूल जाऊंगा, दे दो मुझे 1 हिस्सा जमीन। राजा सिपाही से कहते हैं, सिपाही देखो ऐसे व्यक्ति को ऐसे ही समझाना पड़ता है, और मोटू तुम किस ओर का लोगे जमीन? महाराज मैं आपके घर के सामने का जमीन लूंगा। ठीक है मोटू, ले लो घर के सामने का जमीन का कागज ले लो। एक बात बताओ, तुम सामने का ही जमीन क्यों लिया? महाराज मैं सामने का जमीन इसलिए लिया कि मैं 1 रुपये को खोज कर रामू को दे दूंगा, वह भी खुश हो जाएगा और मैं भी खुश हो जाऊंगा जमीन पाकर, इसीलिए महाराज मैं सामने का जमीन लिया। राजा को मोटू की यह चालाकी देखकर राजा को चक्कर आ जाता है और राजा गिर जाता है। मोटू अपने घर चला जाता है खुशी खुशी से। मोटू और पतलू रात में सो रहे थे, मोटू को नींद नहीं आती है तो मोटू पतलू से कहता है, पतलू ओ पतलू चलो घूमने चलते हैं। मोटू मुझे सोने दो, तुम जाओ। ठीक है पतलू, मैं नदी की ओर जाऊंगा। यह कहकर मोटू चला जाता है। मोटू रास्ते में जाते जाते चुड़ैल जिस पेड़ पर बैठी होती है उस पेड़ के पास गाना गाता है। जाता है, चुड़ैल मोटू को मार देती है, उधर पतलू का नींद खुल जाता है। अरे मोटू गया अभी आया नहीं, चलो उसे बाहर ढूंढता हूँ। यह कहकर पतलू मोटू को ढूंढने चला जाता है। पतलू जाते जाते उसी पेड़ के पास चला जाता है जहाँ मोटू
मारा पड़ा हुआ है। मोटू, ओ मोटू, तुम्हें क्या हुआ? पतलू रोने लगता है, बहुत रोता है। तब उस पेड़ से चुड़ैल प्रकट होती है। दया खाकर पतलू से बोलती है, पतलू, मोटू को जिंदा करने का एक ही उपाय है। बताओ मुझे क्या उपाय है, मैं मोटू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें दो पहेली का जवाब देना होगा। मैं मोटू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पूछो क्या सवाल है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? पतलू सोच कर बताता है, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। बहुत सही जवाब। दूसरा सवाल है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? पतलू सोचने लगता है, पर उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन उसे याद आ जाता है, मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियाँ होती है। पतलू, आपने सभी प्रश्न का सही जवाब दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी बहादुरी पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं मोटू को जिंदा कर रही हूँ। चुड़ैल मोटू को जिंदा कर देती है और मोटू पतलू चुड़ैल को धन्यवाद करके चले जाते हैं। दूसरे दिन चुड़ैल और मोटू की शादी हो जाती है, तो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और मोटू पतलू डर जाते हैं। तब चुड़ैल बोलती है, तुम दोनों डरो मत, मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे एक जादूगर डायन ने मुझे ऐसा बना दिया है। यदि तुम दोनों मेरा एक काम कर दोगे तो मैं अपने असली रूप में हो जाऊंगा हमेशा के लिए। हाँ बताओ अंजलि, कौन सा काम है? मैं और पतलू तुम्हारा काम सही से करूंगा। एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी के ऊपर लाल रंग और नीले रंग का कलर लगा होगा, वही डायन का घर होगा। बस तुम्हें उसकी छड़ी को तोड़ना होगा, फिर उसके बाद वह जलकर भस्म हो जाएगी और मैं अपनी असली रूप में हो जाऊंगा हमेशा के लिए। हम लोग वहां कैसे जाएंगे? हम लोग वहां उस जगह को नहीं देखा है, फिर कैसे जाएंगे? तुम दोनों को उस पेड़ के सामने जय जय काली काली का मंत्र बोलोगे तो वहां पहुंच जाओगे। मोटू और पतलू वहां उस पेड़ के पास जाकर बोलते हैं, जय जय काली काली। मोटू पतलू वहां उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां के सुंदर खूबसूरती देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मोटू और पतलू आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वह घर मिल जाता है और वहां पर डायन भी रहती है। मोटू पतलू से कहता है, पतलू ये बहुत डरावनी लग रही है, मुझे डर लग रहा है। मोटू, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर हम दोनों डर गए तो डायन की छड़ी कौन तोड़ेगा? हाँ पतलू, तुम सही कह रहे हो। मोटू और पतलू डायन को छुप कर देखते हैं तो मोटू पतलू बहुत देर से देखते हैं तो
वह डायन हर 5 मिनट में अपनी छड़ी को रखकर पानी पीने जाती थी। पतलू, वह डायन 5 मिनट में पानी पीने जाती है अपनी छड़ी रखकर। हाँ मोटू, अगर वह पानी पीने जाने वाली हो तभी हमें उसके घर के पीछे छुप जाना चाहिए, और वह जैसे ही जाकर पानी पिएगी हमें उसी समय उसके आने से पहले उसकी छड़ी तोड़ देना होगा। हाँ पतलू, सही कह रहे हो तुम। डायन के जाने से पहले ही मोटू पतलू डायन के घर के पीछे आकर छुप जाते हैं, और डायन जैसे ही जाकर पानी पीना शुरू कर देती है वैसे ही मोटू घर में जाकर डायन की छड़ी तोड़ने जा रहा था। तभी डायन की नज़र उस मोटू और छड़ी पर पड़ जाता है, तो डायन जोर से बोलती है, मत तोड़ो छड़ी को, तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगा। कुछ नहीं चाहिए डायन मौसी, नमस्कार, अब तुम जाओ आराम करो। मोटू डायन की बात को इग्नोर करके डायन की छड़ी को तोड़ देता है। डायन जलकर गायब हो जाती है और मोटू पतलू अंजलि के पास पहुंच जाते हैं। मोटू पतलू और अंजलि खुशी से मोटू पतलू के घर चले जाते हैं।